जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पार्सल सेंटर यूट्यूब चैनल में। लुसेंट कंप्यूटर के बुक से हम और एक एमसीक्यू लाने वाले हैं, आज करेंगे, जिसमें कंप्यूटर के परिचय और सामान्य बातें रहेंगी। वो कुछ सामान्य बातें ऐसी हैं जो आपको घुमा के पूछा जाएगा और आप उसका जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कंप्यूटर का बुक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक मंथन का बुक है, साथ में पिछले 10 साल में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न आए हुए हैं उसको हम एग्जाम वार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एग्जाम और मतलब जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी को सॉल्व करेंगे कि कैसे उसका आंसर आ सकता है, जिससे आपको कंप्यूटर से कहीं भी परेशानी नहीं होगी 30 नंबर पाने में। शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। आपके ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और ये सभी। ठीक है, ये सभी, तो इसका ऑप्शन लिया गया है प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो प्रोसेस के आधार पर हुआ जाता है। ठीक है, ये कार्य करने की तरीका को नहीं पूछा। देखिए, सिद्धांत अलग होता है और तरीका अलग होता है। सिद्धांत मतलब की पॉइंट, उसका की पॉइंट क्या है। तो इसका सिद्धांत है किसी भी डेटा को प्रोसेस करना, तो कंप्यूटर का प्रोसेस करना ही मेन है कंप्यूटर के काम में। ठीक है, कभी कभी आपको ये लगेगा कि इनपुट भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट देते हैं उसके बाद प्रोसेस होता है फिर आउटपुट होता है। तो बहुत से बच्चे ये सभी लगा कर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सभी नहीं आएगा। यहाँ लिखा गया है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है की पॉइंट, है ना। अगर कहा जाता कि क्रमबद्ध तरीका क्या है या फिर कार्य कैसे करता है, तब की स्थिति में हम ये सभी लगा सकते थे, लेकिन सिद्धांत पूछा है, की पॉइंट पूछा है, इसलिए हम यहाँ प्रोसेस लगाएंगे। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक यूनिट या फिर ये सभी। तो ऑप्शन में ये लिखा गया है ये सभी। आपको मैंने पहले भी बता दिया था, सीपीयू में तीन चीजें होती है। एक तो है कंट्रोल यूनिट, जितने भी प्रोसेस आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या फिर जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए। और एक होता है मेमोरी यूनिट, तत्कालिक कुछ यूज, छोटी सी KB या फिर MB में डेटा को सेव करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ही छोटी सी मेमोरी होती है। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, तो ये सभी आ जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर एल्गोरिथम। इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा, जैसे प्रोसेस डाटा जैसे कंप्यूटर को पता है ना, वो इनपुट होगा, इनपुट के बाद उसमें प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो प्रोसेस्ड डाटा जिसको सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कर लिया गया है, उस डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं या फिर उस डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। इसी को आउटपुट ना बोल के एक सूचना भी कहा जाता है या इसको इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के सभी भागों के इसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, लॉजिकल यूनिट केवल आपके कंप्यूटर में जो लॉजिकल प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करता है। अरिथमेटिक में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन देते हो उसको एक परफॉर्म करता है। लेकिन ये कंट्रोल यूनिट जो है, ठीक है, ये जो कंट्रोल यूनिट जो है आपके मेमोरी के ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी के साथ साथ कंप्यूटर के शेष भाग को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। देख लीजिए, इसमें आपके सीपीयू के अंदर से ही कई सारे प्रश्न उठा के आपको पूछा जा रहा है और आप बहुत सारे बच्चे इसको बनाने में असमर्थ हो जाएंगे। लगभग आपको पता है कि प्रोसेसर के अंदर लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो अब ये सभी लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से लगाइएगा। सीपीयू के कार्य क्या है, तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के मध्य नियंत्रण करता है, डेटा को मेमोरी यूनिट में तत्कालिक रूप से सेव करता है, निर्देशों को पढ़ता है या फिर उसको आदेश देता है, तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न 43 नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी के द्वारा, पेरिफेरल्स के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट आउटपुट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो भी आप इनपुट देते हो उसको प्रोसेस करके आउटपुट में कौन देता है, सीपीयू देता है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो आपके मशीन लगे होते हैं, एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस लगे, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, उन सबों चीजों को पेरिफेरल्स डिवाइस कहा जाता है।
मेमोरी सेव करने की एक युक्ति है या एक डिवाइस है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाओ गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेमोरी है, सीपीयू है, कंट्रोल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर से इसमें आपको कंफ्यूज करके दे दिया गया है ना, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव करता है, गुणा करता है, भाग करता है, तुलना करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन मेमोरी तो आएगा नहीं, कंट्रोल तो आएगा नहीं, सीपीयू या फिर अरिथमेटिक, यही हमारा दो आंसर लग रहा है जो हो सकता है। लेकिन इसमें भी और ज्यादा डीप में जाए तो सीपीयू के अंदर क्या रहता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, को इंग्लिश में कहते हैं ALU। तो इसका आंसर हो जाएगा ALU। आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, ठीक है। आउटपुट क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, बिल्कुल नहीं, जो प्रोसेसर यूज लेता है उसको हम इनपुट कहते हैं। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, ये भी हम हमारा इनपुट कहलाएगा, ठीक है। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ये भी इनपुट हमारा कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। वह जो प्रोसेसर जो यूजर को दे, मतलब सीपीयू जो है प्रोसेस करके जो मॉनिटर या फिर प्रिंटर में कोई डेटा भेजता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डाटा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 नंबर का डे। खालिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है, डेटा इनपुट, मेमोरी, आउटपुट या फिर करें कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया, मतलब वो इनपुट तो हो नहीं सकता है ना, तो जो प्रोसेस्ड के द्वारा किया गया डेटा क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है। और प्रोसेस से पहले क्या होता है, इनपुट होता है, और डेटा का भी इनपुट कराया जाता है। 47 नंबर का प्रश्न, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले पूरे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वाक्य और पैराग्राफ नंबर और अल्फाबेटिकल लेटर करेक्टर ग्राफिक शेप फिगर ध्वनि या दिक, क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन में अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब समझते हैं 0 से 9 तक, ए से जेड तक, और सिंबल जो कुछ सिंबल है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो ये ध्वनि तो हो नहीं सकता, ग्राफिक या फिगर हो नहीं सकता, वाक्य पैराग्राफ भी नहीं होगा, नंबर और अल्फाबेटिक करेक्टर होगा इसका आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंपोनेंट के रूप में क्या होता है, तो हम यहाँ देख लीजिए, इसमें होता है आपका सीयू, ALU और मेमोरी MU। ये तीन चीज हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इंस्ट्रक्शन तो हमने आज तक पढ़ा नहीं है, फ्लो कंट्रोल यूनिट भी हमने पढ़ा नहीं है, मेमोरी रेगुलेशन भी पढ़ा नहीं है, केवल पढ़ा है ALU और CU। तो ऑप्शन में आ जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्टकट में कहते हैं ALU। 49 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है, जबकि खालिस्तान से डेटा अर्थपूर्ण बनता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर बी, डेटा को कच्चे रॉ फैक्ट्स कहा जाता है, जबकि सूचना को हम अर्थपूर्ण डाटा कहते हैं। इसका मतलब हो जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका डाटा, ठीक है। अगले खालिस्तान में आप लिख दीजिएगा सूचना, इस प्रकार से। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदिश करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसको इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या भाग है, सीयू, ALU और मेमोरी। देखते इसमें क्या क्या है, सीपीयू व मुख्य मेमोरी, तो उसमें मुख्य मेमोरी नहीं रहता है, हार्ड डिस्क भी नहीं रहता है, मुख्य मेमोरी रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है, कंट्रोल यूनिट की और है मुख्य। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है मेमोरी यूनिट, तो इसे आप कंट्रोल प्रमुख मेमोरी मत समझ लीजिएगा, प्रमुख मेमोरी आपका रैम रोम होता है, जबकि सीपीयू में थोड़ा सा मेमोरी होता है थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क भी नहीं आएगा, प्रमुख मेमोरी आएगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट है ना, सीयू और ALU, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे खाली स्थान भी कहा जाता है, तो इसको हम माइक्रोचिप के भी नाम से जानते हैं, माइक्रोचिप नहीं होगा, माइक्रोप्रोसेसर नहीं होगा, इसको हम माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी खाली स्थान के समन्वय से कार्य करती है, ठीक है। क्या लिखा गया है,
प्रमुख मेमोरी खाली स्थान की समन्वय से कार्य करती है। तो जो भी मेमोरी होगा या फिर जो भी कंप्यूटर में चीजें होती है वो सीपीयू के परामर्श या फिर उसके समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू का कार्य क्या है? प्रोग्राम को जिसको अमल करना, डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर एबीसी दो तीनों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी कहाँ पे है? ये ए और सी, मतलब प्रोग्राम अनुदेशों को अमल करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, भावी समय के लिए स्टोर करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ये यूजर के द्वारा सेव किया जाता है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के बीच की बात हो, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट के बीच बात हो, तब इनपुट का संदर्भ किससे होता है? कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सके, डेटा या जानकारी से कंप्यूटर में इंटर प्रवेशित किया गया, डेटा का संप्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, या फिर उपयुक्त में से सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई, सी और डी। सी कहाँ पे लिखा है? ये डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया जाता है, ठीक है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, ये दोनों। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर खाली स्थान रहते हैं, ठीक है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर खाली स्थान रहते हैं, प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक सूचक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदर बोर्ड, या फिर मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन को फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहा गया है? सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन मतलब कार्य जो कंप्यूटर द्वारा किया जाता है कंप्यूटर पर होते हैं, मतलब वो कंप्यूटर में कहाँ होते हैं, वैसे डिवाइस का नाम पूछ रहा है जो गणितीय काम करता है, है ना, कुछ तार्किक काम भी करता है, तो वो कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है? तो सबसे पहले उस डिवाइस का नाम जान लीजिए, ALU, ये सभी काम करता है। अब ALU कहाँ पे रहता है? प्रणाली बोर्ड में? नहीं। केंद्रीय नियंत्रक यूनिट में? नहीं, ठीक है। तो मेमोरी में भी नहीं रहता, मदर बोर्ड भी रहता है, मदर बोर्ड के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में रहता है, ऐसा आपको घुमा के पूछा जाता है और हम इसका कहीं का जवाब भी नहीं दे पाओगे अच्छे से। अरिथमेटिक ऑपरेशन खाली स्थान, अब आपको आंसर बताना है इसका, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो यह खाली स्थान में यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है, ठीक है, कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है, ठीक है। डाटा आइटमों की आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशन के साथ कार्य करता है। डी है जमा, गुणा, भाग आदि करता है, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमा करता है, गुणा करता है, भाग करता है। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन बोला है मतलब केवल गणितीय काम बोला गया है ना, ALU पूरा नहीं लिखा है। देखिए ALU लिखता है तब इसमें लॉजिक भी आता, ये अपनी लॉजिक की बात कर रहा है ऑप्शन वाला ए, ठीक है। बी भी कुछ लॉजिक वाला बात कर रहा है तो होगा नहीं, और सी भी लॉजिक वाला बात कर रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी साफ लिखा है जमा, गुणा, घटा, मतलब केवल गणितीय काम। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह खाली स्थान निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण क्या करता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, या फिर आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसमें का जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं करता है। कंप्यूटिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा और आउटपुट भी करेगा, लेकिन समझने वाला काम नहीं करेगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खाली स्थान में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग आपके CPU में होती है। ALU खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है। ALU जो है एल्गोरिथम, ASCII एल्गोरिथम आधारित, या फिर अरिथमेटिक, या फिर में से कोई नहीं। तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा, बाय ऑप्शन चले तो अरिथमेटिक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। या मैं यहाँ लिख देता हूँ 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो
तो डेटा का स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो इसका बुनियादी मतलब बेसिक कार्य कौन सा नहीं है, मूलभूत कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। यूजर इसको अपने उपयोग के अनुसार टेक्स्ट को स्कैन करता है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं, तो उस सूचना को कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। ठीक है, इसको इनपुट के नाम से जाना जाता है। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कंप्यूटर। ठीक है, इसका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, इनवॉइस बनाना, गणना या प्रोसेसिंग करना, डाटा डिलीट करना, डाटा को करप्ट करना, इनमें से कोई नहीं। तो गणना और प्रोसेसिंग करना सीपीयू का मुख्य कार्य है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन से नियंत्रित करता है, एएलयू, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के मध्य नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर भी दे दिया गया, इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से रजिस्टर भी दिया गया है, किसी किसी में रजिस्टर भी होता है। ठीक है, किसी किसी में रजिस्टर, और रजिस्टर वाकई में कुछ नहीं है, ये एक मेमोरी यूनिट ही है। हम सीपीयू में तीन भाग पढ़े थे ना, सीपीयू में क्या क्या पढ़े थे, तीन भाग पढ़े थे, एएलयू, सीयू और एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। तो ये मेमोरी यूनिट के अंतर का कार्य है रजिस्टर, ये फास्ट मेमोरी है, याद रखिएगा, इसी को मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लिखा गया है प्रोसेसर के तीन भाग, तो रैम बाहर होता है, ठीक है, कैश मेमोरी भी बाहर होता है, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम बाहर होता है, इसमें सीडी रोम रोम लिखा है, ये भी नहीं होगा। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बाय ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, ठीक है, या बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, या डेटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, या बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे हम प्रयोक्ता समझ सके। तो ये हमारे इनपुट नहीं, ये आउटपुट जैसा लग रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं, ठीक है, तो क्या शामिल होते हैं, इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा और आउटपुट होगा, यही इसका सही आंसर होगा। बुनियादी मतलब बेसिक कार्य कंप्यूटर चलाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा या सूचना को खाली स्थान कहा जाता है। डेटा या सूचना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, तो फिर से पढ़िए, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया गया जाने वाला डाटा या सूचना को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर ये भी नहीं होगा, पेरिफेरल्स भी नहीं होगा, सीपीयू भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदल देता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। अभी तक हम प्रोसेसर से ही प्रश्न बना रहे हैं, प्रोसेसर के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास है एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लिया गया है रजिस्टर, आपके एएलयू में भी रजिस्टर होता है, ठीक है, एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर, इसका आंसर लिया गया है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर पूछा गया है इनमें से कौन सा होगा, तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ये बिल्कुल सही है,
ठीक है, डेटा का संग्रहण करता है तो डेटा का संग्रहण नहीं करता है, तुलना करता है ये भी सही है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है बिल्कुल ये नहीं, तो एक और तीन, एक और तीन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। हर स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूपों में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खाली स्थान यूनिट होते हैं। सीपीयू में आपके कंट्रोलर होते हैं, मेमोरी होते हैं और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसको हम ALU कहते हैं, ये भी होगा। GIGO मतलब गीगो का अर्थ होता है आपके अरिथमेटिक एक्यूरेसी या फिर वर्सेलिटी, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्यूरेसी मतलब होता है ये, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने पूरे बेसिक के बारे में समझा, कंप्यूटर के अधिकतर आपको सीपीयू से कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर हमने आज चर्चा किया है। इसके बाद जैसी क्लास बढ़ते जाएगा हम इस बुक से पूरे जितने भी टॉपिक से आए हैं अभी तक के MCQ उसको पूरा सॉल्व करा देंगे आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।